हम शुरू करते हैं चॉकलेट फ्रेजर की रेसिपी। सबसे पहले इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी फाइव एग्स की एक्चुअली जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा 5 egg yolks, 150 ग्राम फाइन शुगर, 1 teaspoon वेनिला एसेंस, 5 egg whites, 2 tablespoon फाइन शुगर, 150 ग्राम सिफ्टेड फ्लावर, 3 tablespoon कोको पाउडर, 1 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर, 50 ग्राम्स मेल्टेड बटर। उसके अलावा जो हमने इसका ऊपर की जो टॉपिंग बनाई है उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 200 ग्राम्स चॉकलेट की, 200 ml आपको क्रीम चाहिए होगी, 1 can कंडेंस मिल्क की जरूरत पड़ेगी, 2 tablespoon आपको जेलेटिन पाउडर की जरूरत पड़ेगी, हलाल जेलेटिन पाउडर जो पाकिस्तान में आराम से मिलता है और पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर ऐसी कंपनी है जिसके बेकिंग पाउडर्स भी आते हैं, उस कंपनी का भी ये मिलता है, इसलिए मैं आपकी इत्तला के लिए बताती चलूं। और जिन खवातीन को जेलेटिन पाकिस्तान से बाहर हलाल नहीं मिलता है तो वो फिर पाकिस्तान से जरूर मंगा लें, तभी वो ये केक ट्राई कर सकेंगी। और तकरीबन 3 1/2 टेबल स्पून वाटर के अंदर मैंने जेलेटिन पाउडर को डिजोल्व किया था। उसके अलावा जो टिक्का बोटी मैंने आपको पैन टिक्का बोटी सिखाई है उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1/2 kg क्यूबिकल कट में कटा हुआ चिकन, 5 tablespoon योगर्ट, तकरीबन वो 5 tablespoon जो है वो 1 cup के करीब जो है बनते हैं। उसके अलावा 1 अदद नींबू का जूस, 2 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, कोरिएंडर पाउडर 2 teaspoon, 1/2 teaspoon मीट टेंडराइजर, ये उस सूरत में आप डालेंगे पाउडर की शक्ल में अगर आप जो है मटन या बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको आपने तकरीबन जो है मैरिनेट करना है 2 घंटे के लिए। और उसके अलावा दोस्तों आपको इसको पैन में जिस तरह से मैंने पकाया है आपको उस तरह से थोड़े से ऑयल की जरूरत पड़ेगी और आप इसको पका सकेंगे। तो ये थी, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर रेसिपीज। और यहां